हजारीबाग के सिलवार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय को रथ मेले का आयोजन होता है। आयोजन में भारी संख्या में आसपास के ग्रामीण के अलावा शहर से भी लोग जुटते हैं। आज मेले का दूसरे पहर में जोरों की बारिश शुरू हुई। बारिश से गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन वज्रपात ने मेले के जश्न को मातम में बदल दिया। इसे लेकर हजारीबाग सदर अंचल अधिकारी राजेश कुमार ने अब तक 8 लोगों के घायल होने एवं 2 लोगों की मृत्यु होने की आधिकारिक पुष्टि भी की है। इस घटना से पूरे मेला क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों में मातम पसर गया है। ऐसी स्थिति में आसपास के लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए हैं और हजारीबाग के जनप्रतिनिधिगण घटनास्थल एवं अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। सभी घायलों का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। सिलवार में लगभग 5 बजे की घटना है। वज्रपात होने से कुल 8 लोग वहां जख्मी हुए और जख्मी हालत में सदर हॉस्पिटल तुरंत उसको एम्बुलेंस से लाया गया, जिसमें 2 यहां डेथ कर गए हैं, जो एक सिलवार का रहने वाला है और दूसरा का भी पहचान जस्ट किया गया जो रोला का रहने वाला है। हाँ, इसमें आकर हम भी थोड़ा देर परेशान हुए। डॉक्टर पर केवल एक डॉक्टर इलाज कर रहे थे, इसको लेकर वरीय पदाधिकारी को सूचना मेरे द्वारा दिया गया इस संदर्भ में। निश्चित रूप से लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेट था और कल भी हम लोग जाकर वहाँ मीटिंग भी किए हैं लोगों के साथ और सावधानी से और वज्रपात से कैसे बचाव करना है अपने आप को सभी को मालूम भी है और प्रशासन के द्वारा भी लगातार अभी भी मेला को जो झूला वगैरह जो लगा हुआ है उसको भी बंद करा दिया गया है मौसम को देखते हुए। देखिए, अचानक बिजली गिरा है और गिरा है तो वो डायरेक्ट पत्थर पे गिरा है, तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे घूमने के पर्पज़ से या तो फिर कुछ फ़ोटो वगैरह लेने के पर्पज़ से चढ़े हुए थे, तो गिरा हुआ तो अचानक गिरा तो उस समय एक महिला हम लोगों को दिखी, जिसके लिए हम लोगों ने दौड़ा, फिर दोबारा बिजली गिरा तो हम लोग कुछ देर रुक गए। उसके बाद जब हम लोग जा कर के देखा तो वहाँ पे कुल हमको लगता है कि 12-15 लोग घायल पड़े मिले, तो हम और इंजीनियर प्रशांत जी जो हैं हम लोग दोनों और कुछ झारखंड पुलिस के लोग हम लोग मिल के सारे लोगों को टांग करके मंदिर के जो साइड होता है, साइड जो बनाया हुआ रहता है, तो उसमें हम लोग सबको एक एक करके पहुंचाने का प्रयास किया और सबको ट्रीटमेंट जो होता है औपचारिक ट्रीटमेंट, पैर रगड़ना, तत्कालीन हाथ रगड़ना, पैर रगड़ना सब हम लोग किया। इन्होंने एक बच्चे का जिसकी देहांत हो गई है उसको ऑक्सीजन हम लोगों ने मुँह से भी दिया, बट दुर्भाग्य कि वो बच्चा बचा नहीं। और हमको लगता है कि और ढूंढने के बाद हमको लगता है कि और 1-2 लोग पड़े ही होंगे। अब अब कोई नहीं है ना, हम लोग पूरा जहां इस घटना घटी है वहां पे हम लोग पूरा पहाड़ को छानबीन किए, वहां और किसी तरह का कोई हम लोग को नज़र में नहीं आया। ऐसा खौफनाक मंजर लाइफ में पहली बार देखने को मिला। अभी बिजली कड़क रही है तो हम लोगों को डर लग रहा है। इस टाइप हुआ